पार्ट शुरू। सर एपिसोड चालू करना है सर, आप ही ना। ओके ओके, चलो हम आज के एपिसोड को एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। स्कूल डेज की सबसे प्यारी बात क्या थी पता है? गर्मी की छुट्टियां? नहीं। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशंस? नहीं। पिकनिक। स्कूल में हम डेली कुछ नया सीखते थे, कुछ नया समझते थे, और फिर आता था पिकनिक वाला दिन। पिकनिक वाले दिन तो मुर्गे से पहले उठ जाता था मैं, और वो भी विदाउट अलार्म। खुद तैयार होकर स्कूल जाता था। लास्ट पीरियड तक क्लास में सोने वाले बच्चे भी इतनी खुशी के साथ आते थे। टाइम ट्रैवल भी तो एक स्कूल है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मैं पिकनिक पे ले चलूं। कहां? एक ऐसे समय में जहां क्रिकेट इन्वेंट नहीं हुआ था लेकिन स्टेडियम्स थे, जहां आईसी इंजन वाले जहाज नहीं है लेकिन डॉकयार्ड्स हैं, जहां लोगों ने इंजीनियरिंग की डिग्री तो नहीं ली है लेकिन उन्हें डैम बनाना आता है। ऐसी जगह नहीं हो सकती, दिखाता हूं। ये जो स्काई स्क्रैपर्स और मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी शुरुआत इसी जगह से हुई थी और हमने ही की थी। मतलब जिस यूनिवर्सिटी से लोगों ने बिल्डिंग्स बनाना सीखा है उस यूनिवर्सिटी का डिजाइन भी हमने ही दिया है। तो आज आप करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सैर मेरे यानी आपके अपने हिस्ट्री एजुकेटर अभिषेक श्रीवास्तव के साथ। सैर के दौरान जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट्स के बारे में डिटेल में। हिस्ट्री आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सिखाऊंगा हिस्ट्री एक सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। तो मुझसे कनेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, फास्टन योर सीट बेल्ट, थिंग्स आर अबाउट टू अनरैवल। वेलकम टू दिस जर्नी, कॉज वी आर गोइंग टू टाइम ट्रैवल। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली सिटी से, जिसके बारे में आपने पक्का सुना हुआ होगा या इसकी बायोपिक देखी तो होगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहनजोदारो। इस शहर की खोज आरडी बैनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदारो लिटरली मींस माउंड ऑफ डेट्स। मोहनजोदारो सिंध रीजन में इंडस नदी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ था। यह हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था जो लगभग 500 हेक्टेयर कवर करता था। इस सिटी की खास बात यह थी कि यहां ईस्ट और वेस्ट में दो माउंट्स दिखाई देते हैं। माउंट्स यानी कि टीले। जैसे कि आप देख सकते हैं वेस्टर्न माउंट छोटा है पर ऊंचाई पर है और इसे सीटाडेल कहा जाता था, और वहीं ईस्टर्न माउंट साइज में बड़ा है पर वो नीचे की तरफ है। ये यहां का लोअर टाउन था। सीटाडेल जमीन से तकरीबन 12 मीटर की ऊंचाई पर था। कमाल की बात यह है कि सीटाडेल चिकनी मिट्टी और ईंटों का एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि अलग अलग ऊंचाई पर बना घर शायद सोशल इनइक्वालिटी को दर्शाता है। अब मैं आपको बताता हूं उस शहर के ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के बारे में। नॉर्थ की तरफ तीन इंपॉर्टेंट जगह दिखाई देती हैं, ग्रेट बाथ, ग्रीनरी और कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। सबसे पहले चलते हैं ग्रेट बाथ की तरफ। द ग्रेट बाथ हड़प्पन इंजीनियरिंग स्किल्स का एक बहुत ही उम्दा नमूना है। ग्रेट बाथ बेसिकली 14.5 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा है। टैंक के अंदर दो सीढ़ियां भी हैं, एक नॉर्थ से एक साउथ से। इस टैंक का फ्लोर और दीवारें पक्की ईंटों से बनी थी जिन्हें जिप्सम की मदद से चिपकाया गया था। टैंक के साइड पर और नीचे बिटमन की एक परत लगाई गई थी। ये दुनिया की सबसे पहली वाटरप्रूफिंग है शायद। सोचो उस जमाने में वाटरप्रूफिंग। ईस्टर्न साइड पे कई सारे रूम्स थे जिनमें से एक रूम में वेल भी था। शायद इससे ग्रेट बाथ में पानी भरा जाता रहा होगा। द ग्रेट बाथ से चलते हैं ठीक सामने। रास्ते के दूसरी तरफ कई बड़ी बिल्डिंग्स थी जिसमें बहुत सारे कमरे थे। उस टाइम का राष्ट्रपति भवन था शायद। ये माना जाता है कि ये चीफ प्रीस्ट या फिर कई सारे प्रीस्ट का घर था और इसीलिए इसका नाम कॉलेज ऑफ प्रीस्ट दिया गया। सीटाडेल में ग्रेट बाथ के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक टेपरिंग ब्रिक प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। स्ट्रक्चर को पहले हमाम या हॉट एयर बाथ कहा जाता था और फिर बाद में इसे ग्रेट ग्रेनरी कहा गया। सीटाडेल के सदर्न पार्ट में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जिसको असेंबली हॉल का नाम दिया गया। सोच रहे हो उस जमाने में असेंबली हॉल। शहरों के निचले हिस्सों में जो घर थे वो छोटे थे जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में अंतर पता चलता है।
यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिली हैं, सील्स, बड़ी बिल्डिंग्स के अवशेष, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है पता है वो कौन सी है? मोहनजोदारो में शॉल पहने हुए एक आदमी की मूर्ति भी पाई गई। इस मूर्ति ने हमें इस कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताया। देखिए कि उस जमाने में भी लोग डिजाइन वाली शॉल्स का इस्तेमाल करते थे। इस मूर्ति पे कितनी बारीकी से काम किया गया है, आपको यहां इस मूर्ति की दाढ़ी की हर लाइन साफ दिखाई दे रही होगी। विदाउट किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतना डिटेल्ड काम, जस्ट अमेजिंग। इस मूर्ति को प्रीस्ट किंग का नाम दिया गया है। मोहनजोदारो में करीब 700 कुएं पाए गए, लोगों से ज्यादा तो शायद कुएं हैं यहां पर। यहां के कई घरों में एक प्राइवेट वेल भी था। अब प्यूरिफायर नहीं होता था तो लोगों ने सोचा भाई अपना ही वेल रख लेते हैं। कई जगह पर पब्लिक वेल्स भी थे, लोग यहां आके गप्पे लड़ाते रहे होंगे, पानी भरते भरते एक दूसरे के साथ गॉसिप करते रहे होंगे। खैर, इसके अलावा यहाँ पे पशुपति सील, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और मदर गॉडेस की टेराकोटा की मूर्ति भी पाई गई, जिसके बारे में हम आने वाले एपिसोड से बात करेंगे। मोहनजोदारो से चलते हैं अब दूसरे शहर की ओर जहां से सिलसिला शुरू हुआ था, हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी से 10 किलोमीटर दूरी पर पाया गया था और एरिया में ये काफी बड़ा था, 150 हेक्टेयर। नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कितना होता है ये, बट फिलहाल मोहनजोदारो की तरह ही हड़प्पा शहर के वेस्ट में सीटाडल देखा जा सकता है और लोअर टाउन साउथ ईस्ट में। पर हड़प्पा का सीटाडल एक पैरेललोग्राम के शेप में था। इसका बाहरी पार्ट चिकनी मिट्टी वाले ईंट से बना था। ये सीटाडल बड़े बड़े टावर्स और गेटवे से घिरा हुआ था और अंदर का स्ट्रक्चर एक और बड़े प्लेटफॉर्म पे बना था। देखिए क्या ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया ये। सरप्राइजिंग बात यह है कि सिटाडेल में कारीगर लोगों के लिए भी घर बने हुए थे। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी है, यहां ब्रिक्स से बने 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स पाए गए थे जो शायद ग्रेनरी हो, क्योंकि उसमें बारले, स्ट्रॉ ऐसी चीजें पाई गई थी। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमें रोम में भी मिला है। यहां पे कुछ और भी चीजें पाई गई हैं, जैसे स्टोन सिंबल्स ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मदर गॉडेस की मूर्तियां, वीट एंड बार्ले इन वुडन मॉर्टर, कॉपर की स्केल एंड कॉपर मेड मिरर एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे शहर की ओर, चन्हुदारो। चन्हुदारो ये शहर मोहनजोदारो के साउथ में 130 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। यहां की खास बात यह है कि यहां बस एक ही माउंट था जिसपे कोई फोर्टिफिकेशन नहीं थी, लेकिन मिट्टी और ईंटों के प्लेटफॉर्म के अवशेष यहां से भी मिले। ऐसा माना जाता है कि चन्हुदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन के हस्तकला और कारीगरी का सेंटर था। हैरानी की बात यह है कि यहां पे बीड मेकिंग फैक्ट्रीज हुआ करती थी। फैक्ट्रीज, वाओ। यहां के घरों से भी काफी ज्यादा रॉ मटेरियल्स मिले, कार्नीलियन, अगाते, एमेथिस्ट, क्रिस्टल्स। मुझे लगता है ये उस टाइम का चांदनी चौक था। यहाँ के लोग सील मेकिंग, शेल वर्किंग ये सारे काम भी जानते थे। यहाँ पे लिपस्टिक, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ बुलक कार्ट, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, ये सब भी पाए गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक और साइट पे जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, कालीबंगन। ये साइट राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर लोकेटेड है। इस साइट के माउंट्स पर काले रंग के कंगन के बड़े गुच्छे बिखरे पड़े मिले थे, इसीलिए इस जगह का नाम भी कालीबंगन रखा गया। इस साइट की खास बात यह है कि यहां एक इनर वॉल है जो इस साइट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। वाह, ये वाली बात सुन के ना ट्रंप तो खुश हो गया होंगे। सदर्न सेक्टर में कोई रहता नहीं था, लेकिन यहां 7 क्ले के पिट्स बनाए गए थे। ये एक्चुअली फायर अल्टर्स थे और यहां पर रिचुअल्स किए जाते रहे होंगे, सैक्रिफाइसेस दिए जाते रहे होंगे। इनफैक्ट अर्ली हड़प्पन फेज में यहां से एक फरो भी मिला है, जिसका मतलब है कि उस जमाने में राजस्थान में खेती हुआ करती थी विद द हेल्प ऑफ हल, विद द हेल्प ऑफ प्लॉ। हां, मानो या ना मानो। नेक्स्ट हम जा रहे हैं इंडिया के और नॉर्थ में, बनवाली। बनवाली हरियाणा के हिसार शहर में रंगोई नदी के पास था। इसकी खोज आरएस बिष्ट ने 1973 में की थी। यहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के तीनों फेजेस को देखा जा सकता है। यहां पर भी हम एक दीवार देख सकते हैं जो शहर को दो हिस्सों में बांट देता है।
सीटाडेल जो ऊंचाई पे था, और फिर एक निचली शहर जो कि लोअर टाउन है। बनवाली में बहुत सारे घरों में फायर आल्टर्स भी पाए गए। एक और खास बात है कि यहाँ पर ज्वेलर्स का टचस्टोन यानी कि कसौटी भी पाया गया है जिसपे गोल्ड के अवशेष मिले। अब बात करते हैं एक और साइट की जो है राखीगढ़ी। ये इंडिया में पाए जाने वाली हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर है। राखीगढ़ी में भी जो है सिटाडेल के चारों तरफ एक दीवार थी जो कि चिकनी मिट्टी से बनी थी। यहां भी फायर आल्टर्स, स्ट्रीट्स, ड्रेन्स ये सब देखे जाते हैं। इस साइट के कई हिस्सों में हड्डियां, सींग और हाथी के दांत पाए गए। इन सबसे ये पता चलता है कि यहां पे बोन्स और आइवरी पे वर्किंग होती थी। वो बच्चन ये कहते हैं ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो मैं भी आपको अब लेके चलता हूं गुजरात, जहां थी साइट लोथल। इसकी खोज एसआर राव ने 1954 में की थी। लोथल साबरमती नदी के और उसके ट्रिब्यूटरी भोगावो के तट पे था जो गुजरात के सौराष्ट्र वाले पार्ट में आती है। अभी तो ये साइट समुंदर से 16-19 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस जमाने में ये और भी पास हुआ करती थी। इस साइट की सबसे खास बात है, इस साइट की ईस्ट में एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड। इस डॉकयार्ड में स्लूस गेट और स्पिल चैनल थे जिससे पानी के लेवल्स को कंट्रोल किया जाता था। यहां एक मिट्टी और ईंटों का प्लेटफॉर्म भी बनाया था जिससे जहाजों में सामान की लोडिंग अनलोडिंग में आसानी हो। धोलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी। धोलावीरा नाम का शहर आज के रण ऑफ कच्छ के कादिर आइलैंड में था। इसके आर्किटेक्चर से पता चलता है कि इसके बनने में बहुत ही ज्यादा सैंडस्टोन और ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। वैसे सैंडस्टोन गुजरात के सभी साइट्स का इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका लेआउट काफी अनोखा है, बाकी साइट्स पे ऐसा लेआउट बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। ये साइट चारों साइड से वॉल्स से घिरा हुआ है जो चिकनी मिट्टी और पत्थर की दीवार से बनी हुई है। आउटर वॉल में तीन सेक्शंस दिखाई देते हैं, एक कैसल एरिया था जिसे बैली कहा जाता है, एक बड़ा मिडिल टाउन जो नॉर्थ में था, और लोअर टाउन जो ईस्ट में था। यहां की बड़ी फोर्टिफाइड वॉल्स और सिटाडेल में स्टोन पिलर्स पाए गए। वैसे ये स्टोन पिलर्स गुजरात की साइट्स की खास बात है, ऐसे फीचर्स हड़प्पा में कहीं और नहीं दिखाई देते। बैली और मिडिल टाउन के बीच में एक बड़ा सा ओपन एरिया था जिसे स्टेडियम बोला जाता है। जी हां, उस जमाने में भी स्टेडियम था। ये ओपन एरिया बड़ी सेरेमनीज के लिए यूज होता था। लोअर टाउन में घरों से बीड मेकिंग, शेल वर्किंग, पॉटरी के संकेत मिले। आउटसाइड द सिटी भी हैबिटेशन और बरियल के साइंस दिखे। धोलावीरा में एक बहुत ही इंप्रेसिव और यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। इस एरिया में बारिश बहुत कम होती थी और सूखा पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते थे, इसीलिए तो गुजरात को ड्राई स्टेट बोलते हैं। पर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लोगों ने कुछ ऐसा किया जो आप बिलीव ही नहीं करोगे। लोगों ने डैम भी बना दिए थे। कैन यू इमेजिन, विदाउट एनी डिग्री, विदाउट मॉडर्न टेक्निकल नॉलेज, विदाउट हैवी इक्विपमेंट्स, मेहर और मंडसार इन स्ट्रीम्स पर डैम्स बना दिए गए और इन डैम से पानी रिजर्वायर्स में जाने लगा था। धोलावीरा में एक साइन बोर्ड भी मिला है जिसमें जिप्सम से कुछ लिखा हुआ है। अब वो स्क्रिप्ट तो हमें नहीं पता, बट राइटिंग के सैंपल्स तो हमारे पास हैं। ये देख के हैरानी होती है कि हजारों साल पहले भी लोग इतनी एडवांस चीजें कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सिटीज भी थी, जैसे कि सुक्काजंदौर, अलादीनो, देसालपुर, सुरकोटडा एंड शोर्तुघई। शोर्तुघई हड़प्पा के लोगों का ट्रेडिंग पोस्ट था। ये अफगानिस्तान में है, बट हम ट्रेडिंग की बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ टाइम ट्रैवल। आई होप आपको इस जर्नी पे मजा आया होगा। ये टाइम ट्रैवल सीरीज एक कोशिश है अन अकेडमी की तरफ से जिससे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ थोड़ी आसान बन सके। इसी सेंटिमेंट को आगे बढ़ाते हुए आप अन अकेडमी ऐप पे मेरे सारी फ्री क्लासेस TT100 ये कोड यूज करके अनलॉक कर सकते हो। प्लस इससे आपको मेरे पेड लेक्चर्स में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। याद रहे, द कोड इज TT100। TT यानी कि टाइम ट्रैवल और 100 यानी 100% प्रिपरेशन आपके सक्सेस के लिए। सो ज्वाइन अन अकेडमी टुडे फॉर हिस्ट्री लेक्चर्स सो दैट यू कैन क्रिएट हिस्ट्री। सो वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। आई वॉज योर होस्ट अभिषेक श्रीवास्तव। मिलेंगे जल्द ही
तब तक देखते रहिए टाइम ट्रैवल विद थिंग्स अनरैवल।